हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्स में बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सेफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड के एग्जामिनेशन में जब हम नाबार्ड बोलते हैं तो वहीं पे अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के साथ साथ है रूरल डेवलपमेंट। और आप भरोसा मानिए कि मैक्सिमम बच्चे रूरल डेवलपमेंट पढ़ के ही नहीं जाते हैं। और वो क्या पढ़ के जाते हैं, स्कीम्स, वो भी सही अप्रोच है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे बड़ी लर्निंग है नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप ईएसआई पढ़े या फिर कुछ भी सब्जेक्ट पढ़िए, ईएसआई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज तो आपको पता है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमी ही के लिए ही क्या हो रहा है और सब इकोनॉमी पे ही हो रहा है। तो इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे हमें किसे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ जो कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है हमें कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से हमें मतलब है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन से हमें मतलब नहीं है। पीडीएस से हमें मतलब है, यहाँ शहर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम से हमें मतलब नहीं है, हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से मतलब है, हमें म्यूनिसिपल से मतलब नहीं है। तो आप समझ गए कि हमें ईएसआई कौन सा पढ़ना है, जो रूरल कॉन्टेक्स्ट का है। तो अर्बन भी सारी चीजें होती है, रूरल भी सारी होती है। अर्बन हटा दीजिए, रूरल पढ़िए। आरबीआई जो बच्चे की प्रिपरेशन करते हैं सारा पढ़ते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ना है। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है। क्विकली मैं आपको बताऊंगा, और कैसे मैं आपको बताऊंगा, सबसे इजी तरीका होता है पहले पेपर के में क्वेश्चंस क्या है वो देखिए। कैसे क्वेश्चन आते हैं भैया, सेंसस के अकॉर्डिंग क्या परसेंटेज है पॉपुलेशन का जो रूरल एरिया में रहता है, और सेंसस कौन सा 2011 का, वही हमारे पास लेटेस्ट है। क्वेश्चन उसी से आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, या तो सेंसस से आएगा या दूसरी चीज वो मेंशनड होगा इकोनॉमिक सर्वे में। जैसे इस बार मेंशन हुआ 42.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है, ये इकोनॉमिक सर्वे में आया, अब ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो 68.8% पॉपुलेशन हमारी रूरल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी एज पर सेंसस। अब देखो, मैंने आपको बताया 42.7% एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2023 एंड 24। ओके, यहां पे दिया एज पर सेंसस, तो 2011 में ये कंडीशन थी, आज 42.7% है। तो दोनों के अकॉर्डिंग आपको समझना है। What is the share of agriculture in the national income for in FY 2022? तो ये financial year 2022 का पूछा है। इस बार अगर पूछेंगे तो share of agriculture in national income कितना है, या फिर GVA में कितना share है, या फिर कितनी growth है, वो जो economic survey में वो हम पढ़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जब से इंसेप्शन हुआ तब से कितना पैसा दिया गया है, ये एग्जामिनेशन से पहले पीआईबी में आया था। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, अगर अभी आप पीएमजीएसवाई का देखेंगे तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का फेज फोर है। फेज फोर के दो टारगेट लिए गए हैं, उसके बारे में बात हो रही है, वो क्या टारगेट है कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट आप देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का वर्क है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में चार कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एक कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, और एक कंपोनेंट किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। सो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का कंपोनेंट है वो क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, तो वाटरशेड डेवलपमेंट से आया है। पीडीएस है ना, पीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। मनरेगा से रिलेटेड, ये देखो ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया, 2023 में भी, 22 में भी, हर साल ही क्वेश्चन पूछा आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, कल भी मैंने बताया कि यूनिट ऑफ साइज ऑफ यूनिट हाउस पूछा जाता है, जिसमें कि हाइजीनिक प्लेस फॉर कुकिंग कितना होना चाहिए, 25 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन 2021 के नाबार्ड ग्रेड बी में भी आया, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, हर साल क्वेश्चन आते हैं क्योंकि स्कीम्स वही हैं, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। मनरेगा में कितना पार्टिसिपेशन रेशियो है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कितना एलोकेशन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बजट कितना है, रूरल रोड अकाउंट्स फॉर द मोर देन कितने परसेंटेज। तो अभी आपको समझ आ गया मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन आए हमारे, या तो पॉपुलेशन या फिर उससे रिलेटेड आए कि देखो रूरल पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, क्या करती है, क्या खाती है, कहाँ रहती है, ये क्वेश्चन। दूसरा, उनके लिए क्या क्या हो रहा है स्कीम्स, बस अगर ये चीज समझ जाते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये क्वेश्चन 2020 से आ रहा है, आज से नहीं, 2020 से, 2020 कोविड वाला साल, मुझे तो ऐसी चीजें याद रहती हैं, क्योंकि उस समय मैं आपको बताऊं पीआईबी, उस समय एग्जामिनेशन हुआ था फरवरी 24 में, कोविड आने से पहले, तो प्रीलिम्स हुआ था, और ये वाली जो न्यूज थी पूरी एज इट इज न्यूज, ये पीआईबी में आई थी दिसंबर में, दिसंबर और जनवरी की स्टार्टिंग में, और वही क्वेश्चन पूछा गया था, और वो बार बार पूछा गया। डीएनआरएलएम में कितना सबवेंशन दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव में एनआरएलएम स्कीम, पीडीएस स्कीम, तो ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो सिलेबस देखिए,
सिलेबस में ही मेंशन है कि कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया क्या है भैया, रूरल एरिया कहोगे किसे, है ना। उसके बाद क्या है, रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, सिंपल सिंपल रोल ऑफ रूरल सेक्टर, इतना ही पढ़ना है। इकोनॉमिक लिख दिया, सेक्टर लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर को इनडेप्थ पढ़े, इतना ही पढ़ना है। ऑक्यूपेशन मतलब क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्कीम्स देखो मेंशन की है, बस यही पढ़नी है। इतना अगर कर लिया तो बस फिर कुछ नहीं, टेंशन, रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। और मैं आपको बता, रूरल डेवलपमेंट बच्चे छोड़ के जाते हैं, आपके 5+ मार्क्स आपके आएंगे एआरडी में भी और ईएसआई में भी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा। ओके, एआरडी के सिलेबस को भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को हम कहते हैं कि देखो कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, रूरल पॉपुलेशन और स्कीम्स, बस ये तीन चीज ही रूरल डेवलपमेंट में पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, दिस इज सफिशियंट। हमारे एग्जाम भी कोर्स में भी आप देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन और स्कीम्स, और यहाँ पे आरबीआई डिटेल्स। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो यही वाला इंपॉर्टेंट है, तो रूरल ऑक्यूपेशन है पीआरआई वाला, तो ये सारी चीजें आपको कोर्स में भी मिल जाती है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, आप उनको चेक कर सकते हैं, चेक करने का मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।